Hello everyone, welcome to Novation. I'm Shantanu and I bring to you the part 2 of a very important session on national park and wildlife sanctuaries. So guys, in part 1 we have discussed all the important national parks, and in this part 2 we are going to discuss wildlife sanctuaries of various different states. और गाइस कई सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती है, पर हम सिलेक्टेड को ही पढ़ेंगे क्योंकि वो पूछी गई हैं या पूछी जा सकती हैं एंड दे आर क्वाइट इंपॉर्टेंट. सो गाइस इट इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द अपकमिंग एग्जाम्स. सो गाइस काइंडली डू वॉच ऑल दी पीटीएन्स एंड नोट देम डाउन, और जो मैं आपको फाइनल असाइनमेंट क्वेश्चन दूंगा उसको भी प्लीज़ आप ट्राई करेंगे. ओके गाइस, सो शुरू करते हैं हमारा डिस्कशन. द सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गाइस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को शॉर्ट में WLS बोलूंगा, इज लोकेटेड इन विच स्टेट. राइट, सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है? इट इज़ इन राजस्थान. आइए अपन कुछ इसके पीटीएंस देखते हैं. लोकेशन, इट इज़ लोकेटेड इन अलवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान. द थ्री मेन फौना, सो गाइज हम हमेशा की तरह फौना एंड फ्लोरा भी डिस्कस करेंगे. थ्री मेन फौनाज आर गाइज, यहाँ पर टाइगर्स पाए जाते हैं, सो इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट वन, हाइना एंड जैकल, एंड द फ्लोरा आर ढोक एंड साल ट्रीज. सो गाइज टाइगर्स जहाँ पर भी होंगे आप लोग को ध्यान रखना है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट. Okay guys, let's move forward. The Kambalkonda Wildlife Sanctuary is located in which state? So guys, Kambalkonda Wildlife Sanctuary kahan par hai? It is in Andhra Pradesh. Okay guys, let's see the PTNs. It is located near Vishakhapatnam. Aur Vishakhapatnam kahan par hai guys? Andhra Pradesh mein. And the three main fauna are Indian elephants, tigers and guars. So guys, yahan par mostly elephants paaye jaate hain. And the three main flora are Indian licorice, ट्री ऑफ हेवन एंड नीम ट्रीज. ये तीनों ट्रीज यहाँ पर पाए जाते हैं. सो गाइज किसके लिए फेमस है ये? एलिफेंट्स के लिए. लेट्स मूव फॉरवर्ड. द काराकोरम WLS, दैट इज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इज लोकेटेड इन विच स्टेट? सो गाइज काराकोरम जैसे रेंज है, माउंटेन रेंज, तो वो नॉर्थ में ही होगा. सो गाइज इसका आंसर है जम्मू एंड कश्मीर, याद रखिएगा इसको. लेट्स सी द पीटीएंस. द लोकेशन इज इन लेह डिस्ट्रिक्ट, जम्मू एंड कश्मीर, एंड द थ्री मेन फौना आर डबल हम कैमल, गैजल एंड आईबैक्स. तो ये तीनों वहाँ पाए जाते हैं दोस्तों. और मेन फ्लोरा क्या है यहाँ पर गाइस? मेनली मेडिसिनल प्लांट्स पाए जाते हैं जो कि दवाइयाँ बनाने में यूज होते हैं. सो गाइस ये आपसे इंपॉर्टेंटली पूछा जा सकता है, कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में मेडिसिनल प्लांट्स मोस्टली पाए जाते हैं? तो वो कहाँ पर है? काराकोरम WLS में. द अरलाम WLS इज लोकेटेड इन विच स्टेट? सो गाइस इट इज लोकेटेड इन साउथ इंडिया, दैट इज केरला. केरला में लोकेटेड है. आइए पीटीएंस देखते हैं. लोकेशन इज साउथ ऑफ कन्नूर डिस्ट्रिक्ट, और कन्नूर डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर है? केरला में. एंड द थ्री मेन फौना आर गाइस, ये भी एलिफेंट्स के लिए फेमस है, बाइसन एंड सांबर. एंड द मेन फ्लोरा आर टीक एंड यूकेलिप्टस ट्रीज, ये यहाँ पर पाए जाते हैं दोस्तों. याद रखिएगा नाम अरलाम वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज. द कामलांग WLS इज लोकेटेड इन विच स्टेट? सो गाइस कामलांग कहाँ पर है? इट इज प्रेजेंट इन अरुणाचल प्रदेश. लेट्स सी द पीटीएंस. इट इज़ लोकेटेड इन द लोहित डिस्ट्रिक्ट में है गाइज, यार अरुणाचल प्रदेश के. एंड द मेन फौनास के बारे में बात कर लेते हैं, टाइगर्स, लेपर्ड एंड एलिफेंट. सो गाइज टाइगर्स है तो ये अपने आप एक इम्पॉर्टेंट हो गया है, याद रखिएगा इसको, यहाँ पर टाइगर्स भी प्रेजेंट हैं. एंड द मेन फ्लोरा आर हर्ब, ग्रासेस एंड बैम्बू. ओके गाइज लेट्स मूव फॉरवर्ड. द गोविंद पशु विहार WLS इज लोकेटेड इन विच स्टेट? सो गाइज ये कहाँ पर है? इट इज़ इन उत्तराखंड. आइए पीटीएंस देखते हैं. लोकेशन इज इन उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड. एंड द थ्री मेन फौना आर स्नो लेपर्ड, ब्लैक बेयर एंड मस्क डियर. एंड फ्लोरा के बारे में बात करेंगे तो चिरपाइन, देवदार, सेडार एंड ओक, दीज टाइप ऑफ ट्रीज आर प्रेजेंट हियर. सो गाइस याद रखिए गोविंद पशु विहार इज इन उत्तराखंड. द अचानक मर WLS इज लोकेटेड इन विच स्टेट? सो गाइस ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये छत्तीसगढ़ में लोकेटेड है. इसके पीटीएन देखते हैं. इट्स लोकेशन इज इन मुंगेली डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़. सो गाइज कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? मुंगेली, याद रखिएगा इसका नाम. थ्री मेन फौना आर गाइज, यहाँ पर बंगाल टाइगर्स काफ़ी तादाद में पाए जाते हैं, लेपर्ड एंड गुआर. सो गाइज इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि यहाँ पर टाइगर्स हैं. मेन फ्लोरा आर साल, साजा, बीजा एंड बैम्बू, ये सारे यहाँ पर ट्रीज पाए जाते हैं. लेट्स मूव फॉरवर्ड. द ताल छप्पर WLS इज लोकेटेड इन विच स्टेट? सो गाइज ये कहाँ पर है? ये है राजस्थान में. आइए जानते हैं इसके बारे में. इट्स लोकेशन इज इन चुरू डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान. एंड द थ्री मेन फौना आर ब्लैक बर्ग्स एंड गाइज, ये मेनली बर्ड्स के लिए भी फेमस है, लाइक हैरियर्स, एम्पीरियर ईगल,
डव एंड ब्लू जे, यहाँ पर कई सारे माइग्रेटरी बर्ड और लोकल बर्ड्स प्रेजेंट हैं। एंड द मेन फौना ट्रॉपिकल डेजर्ट एंड थॉर्न फॉरेस्ट, मेनली इस टाइप के फॉरेस्ट हैं यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं, द कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट। गाइस कैमूर कहाँ पर है, यह है बिहार में। आइए जानते हैं इसके बारे में, इट्स लोकेशन इज इन कैमूर डिस्ट्रिक्ट। अगर गाइस आपको डिस्ट्रिक्ट का नाम पता है कि कहाँ पर है बिहार में, तो आप लोग इसका आंसर जानते ही होंगे, ये कैमूर डिस्ट्रिक्ट में है। एंड द थ्री मेन फौना आर बंगाल टाइगर्स, इंडियन लेपर्ड्स एंड बियर। सो गाइस टाइगर्स हैं यहाँ पे, जैसा कि मैं हमेशा बोल रहा हूँ, इट इज़ इंपॉर्टेंट वन। एंड मेन फ्लोरा आर महुआ, बाकली एंड धाक, ये वाले पेड़ यहाँ पर पाए जाते हैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड, द दालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट। सो गाइस इट इज़ लोकेटेड इन झारखंड। लेट्स सी द पीडियंस, इट्स लोकेटेड नियर जमशेदपुर झारखंड। एंड द थ्री मेन फौना आर गाइस एलिफेंट्स आर इन गुड नंबर हियर, एलिफेंट्स, डियर एंड बियर्स। एंड द मेन फ्लोरा आर साल, गमर एंड महुआ ट्रीज। गाइस याद रखिएगा, ये भी एलिफेंट्स के लिए फेमस है। द यवल WLS इज लोकेटेड इन विच स्टेट। सो गाइस ये प्रेजेंट है महाराष्ट्र स्टेट में। आइए जानते हैं, इट्स लोकेशन इज नियर जलगांव डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। एंड द थ्री मेन फौना आर टाइगर्स, लेपर्ड्स एंड सांबर। गाइस यहाँ पर भी टाइगर्स पाए जाते हैं। एंड द मेन फ्लोरा इज टीक, सलाई एंड अंजन, ये पेड़ भी यहाँ पाए जाते हैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड, द भिंदावस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट। गाइस ये प्रेजेंट है हरियाणा में। ओके गाइस, हाँ PTNs इज इट इज़ नियर झाझर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा। एंड द मेन फौना दैट इज प्रेजेंट हियर इज नीलगाय, जैकल्स। और गाइस ये बर्ड्स के लिए भी फेमस है, इसलिए बता देता हूँ, टर्न, फ्लैमिंगो एंड वुडपेकर। एंड द मेन फ्लोरा प्रेजेंट हियर आर ऑफ यूकेलिप्टस एंड साल्ट्रीज। गाइस याद रखिएगा इसको। और गाइस आई होप आप लोग नोट भी करते जा रहे हैं, जो भी पॉइंट्स में आपको नहीं पता है, जो नए आपको पता चल रहे हैं। ओके गाइस, द गांधी सागर WLS इज लोकेटेड इन विच स्टेट। सो गाइस गांधी सागर कहाँ पर है, इट इज़ इन मध्य प्रदेश। ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मध्य प्रदेश में है। लोकेशन, इट इज़ नियर मंदसौर एंड नीमच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। और गाइस कुछ छोटा पार्ट इसका इट टचेज राजस्थान ऑल्सो, बट मेनली इट इज़ इन मध्य प्रदेश। सो आवर आंसर इज मध्य प्रदेश। एंड द थ्री मेन फौना आर इंडियन गैजल, नीलगाय एंड सांभर। एंड द मेन फ्लोरा आर खैर, सलाई एंड खरताई। ओके गाइस लेट्स मूव फॉरवर्ड, द भद्रा WLS इज लोकेटेड इन विच स्टेट। सो गाइस भद्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है रिसेंटली किसी स्टेट एग्जाम में, इट इज़ इन कर्नाटका। सो आई विल पॉइंट इट आउट एज एन इम्पॉर्टेंट वन। एंड लेट्स सी द PTNs, इट्स लोकेशन इज साउथ ऑफ भद्रावती टाउन ऑफ कर्नाटका। एंड द थ्री मेन फौना आर गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया, टाइगर्स जहाँ पे भी हैं, इट इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट, टाइगर्स, लेपर्ड्स एंड एलिफेंट्स। एंड द मेन फ्लोरा आर टीक, कदम एंड थासल। सो गाइस प्लीज़ भद्र वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को आप नोट कर लीजिए, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। लेट्स मूव फॉरवर्ड, द हजारीबाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट। सो गाइस हजारीबाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है, इट इज़ इन झारखंड। इट्स लोकेशन इज नॉर्थ ऑफ रांची, रांची गाइस पता है आप लोग को झारखंड में है। एंड द थ्री मेन फौना प्रेजेंट देर आर सांबर, नीलगाय एंड चीतल। एंड द फ्लोरा प्रेजेंट आर साल, बैम्बू एंड जैक फ्रूट। गाइस ये वहाँ पर पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, द बोरनादी WLS इज लोकेटेड इन विच स्टेट। सो गाइस ये कहाँ पर प्रेजेंट है, इट इज़ इन असम, असम में है गाइस ये। एंड इसके PTNs देखते हैं, इट्स लोकेशन इज नियर उदलगिरी एंड बक्सा डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम। एंड द थ्री मेन फौना प्रेजेंट देयर आर हिस्पिड हेयर, पिग्मी हॉग, एलिफेंट्स एंड हिमालयन गोट। फोर हो गया ये। एंड मेन फ्लोरा प्रेजेंट आर साल्ट ट्रीज। ओके गाइस सो डू रिमेंबर इट, द भगवान महावीर WLS इज लोकेटेड इन विच स्टेट। सो गाइस ये भगवान महावीर के नाम पे WLS रखा गया है, इट इज़ प्रेजेंट इन गोवा। इट्स लोकेशन इज नियर 57 किलोमीटर ईस्ट ऑफ पणजी, गोवा। पणजी गाइस गोवा कैपिटल भी है। द थ्री मेन फौना प्रेजेंट देयर आर ब्लैक पैंथर, डियर एंड टाइगर्स। एंड द मेन फ्लोरा प्रेजेंट आर ट्रॉपिकल एवरग्रीन एंड मॉइस्ट डेसीडोस फॉरेस्ट। ये फॉरेस्ट वहाँ पाए जाते हैं। द वाइल्ड एस WLS इज लोकेटेड इन विच स्टेट। गाइस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, प्लीज़ आप इसको याद रखिएगा, ये प्रेजेंट है गुजरात में। आइए जानते हैं, इट्स लोकेशन इज इन लिटिल रण ऑफ कच्छ इन गुजरात। एंड द टू मेन फौना प्रेजेंट देयर आर
इंडियन वाइल्ड एज खुर एंड नीलगाय। जैसा कि आपको नाम से पता ही चल रहा होगा गाइस, मेन अट्रैक्शन है वहाँ का इंडियन वाइल्ड एज, जिसको वहाँ पर लोकली खुर बोला जाता है, और नीलगाय भी वहाँ प्रेजेंट है। एंड द मेन फ्लोरा प्रेजेंट देयर आर मोराक ट्रीज, थेक एंड तोलारी ट्रीज। सो गाइस, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को प्लीज़ आप याद रखिएगा, ये कहाँ है, गुजरात में। सो गाइस, फाइंड द करेक्ट मैच। एंड गाइस, दिस इज़ योर असाइनमेंट क्वेश्चन, प्लीज़ आप इसको ट्राई कीजिए, सारे ऑप्शन वेरीफाई कीजिए, और इसमें सही कौन सा मैच है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और इन चारों वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में थोड़ा सा पता कर लीजिएगा कि कौन सी जगह लोकेटेड है। इसलिए मैंने चारों स्पेशल जो है उनको सिलेक्ट करके इसमें रखा है। एंड प्लीज़ टेल मी द राइट आंसर ऑल्सो। ओके गाइज, सो वी हैव कम टू एन एंड टू द सेशन, एंड थैंक यू सो मच गाइज। हमने नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को ऑलमोस्ट जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सब कवर कर लिए हैं। सो प्लीज़ आप इसको रिवाइज ज़रूर कर लीजिएगा। और गाइज, आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं प्लीज़ मुझे कॉमेंट बॉक्स में बताइए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब टू नोवेशन। थैंक यू सो मच गाइज, एंड ऑल द बेस्ट।